dear students, I hope you will be happy and in a good health. Today I am going to teach you interrogative sentence in active and passive voice of simple past tense. I have already taught you affirmative and negative sentence in the previous video. Ashtakam, we will see the active example of active sentence. Did you study online class yesterday? क्या तुमने ऑनलाइन क्लास कल पढ़ा था? क्या कल तुमने ऑनलाइन क्लास पढ़ी? ऐसी बात जब उसको बनाएंगे तो उसमें बार बार हल्के गर्द के रूप में और चेंज सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट, ऑनलाइन क्लास जो है उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रखा और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड पार्ट प्लस बाई प्लस चेंज ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स देखते हैं. बाय वाज ऑनलाइन क्लास स्टडीड बाय यू यस्टरडे. क्या तुम्हारे द्वारा ऑनलाइन क्लास पढ़ी गई? तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था जिसको हैप्पी बर्थ से स्टार्ट किया गया. इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप एक्टिव में एग्जाम्पल देखते हैं इसको. इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर डोर विच स्टार्टेड विद क्वेश्चन वर्ड्स. एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव सेंटेंस, व्हाई डिड द हंटर शूट अ डियर. शिकारी ने एक हिरण को क्यों मारा? आंसर और पैसिव वॉइस में इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज आपने वर्ब प्लस चेंज सब्जेक्ट प्लस लंबी थर्ड प्लस बाई प्लस चेंज ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर वाई को वाई से शुरू कर दिया हेल्पिंग वर्ब वाई वाज चेंज सब्जेक्ट एडियर और मेन वर्ब की थर्ड पार्ट शॉट बाई हंटर. वाई वाज एडियर शॉट बाई हंटर. मतलब क्या हुआ कि एक हिरण को शिकारी के द्वारा क्यों मारा गया? अब इसी में एक सभी जनरली जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, यही वर्ड ऑर्डर होता है. लेकिन हु वाले सेंटेंस कुछ अलग क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर होता है. इस वजह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया जा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. हमसे हु हेल्प यू इन योर भी तुम्हारी जरूरतों में तुम्हारी मदद किसने की? बाय हुम वर यू हेल्प इन योर नीड्स. तो हु को बाय हुम बदल देते हैं फिर मेन वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज सब्जेक्ट में वर्ब यू मेन वर्ब का थर्ड पार्ट और उसके बाद में योर नीड अदर वर्ड्स. तो तुम्हारी सहायता तुम्हारी जरूरत में तुम्हारी सहायता किसके द्वारा की? अब यहाँ पर कुछ इसी से जुड़े हुए होमवर्क के लिए सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं. ही हिट द वॉल टू द बाउंड्री. उसने बाउंड्री की और बाल को मारा प्रहार किया. तो यहाँ पर हिट का तीनों पार्वे जैसे होते हैं. डिड सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग. थर्ड नंबर है हु रोट द रामायण. और फोर्थ नंबर है व्हेन विल यू डू योर होमवर्क. आई थिंक यू विल डू द होमवर्क करेक्टली इफ यू स्टडी दीज एग्जाम्पल्स वेरी केयरफुली. We will meet with new tense in the next video. Till then, bye.